गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन, राइट? सो टुडे इज़ आवर सेशन इज़ द टेबल, है ना? आज हमारा टेबल का सेशन है और टेबल के सेशन में हम लोग आज टेबल ऑफ सिक्स की वर्कशीट पढ़ने वाले हैं, ना? हमने टेबल सिक्स का टेबल देखा था, है ना? तो सिक्स का टेबल, सिक्स वन ज़ा सिक्स, सिक्स टू ज़ा ट्वेल्व, सिक्स थ्री ज़ा 18, 6 4 is 24, 6 5 is 30, 6 6 is 36, 6 7 is 42, 6 8 is 56, 6 9 is 63, sorry, 6 9 is, मैं भी भूल गई, wow, 6 8 is 48, 6 9 is 54, 6 10 is 60, so, सिक्स का टेबल हमने लर्न किया था, है ना? आज हम उसकी एक्सरसाइज करेंगे। चलो तो स्टार्ट करें बच्चों। सो ज़ीरो का अगर हम टेबल देखते हैं तो ज़ीरो को हम किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर भी सेम ही रहता है, ना? ज़ीरो को किसी भी नंबर के साथ हम मल्टीप्लाई करते तो आंसर सेम ही रहता है, जैसे कि ज़ीरो वन ज़ा ज़ीरो, ज़ीरो टू ज़ा ज़ीरो, ज़ीरो थ्री ज़ा ज़ीरो, ज़ीरो फोर ज़ा ज़ीरो, ज़ीरो फाइव ज़ा ज़ीरो, ज़ीरो सिक्स ज़ा ज़ीरो, सो आवर आंसर इज़ ज़ीरो सिक्स ज़ा ज़ीरो, ज़ीरो सिक्स ज़ा ज़ीरो। अब फाइव सिक्स ज़ा, अब फाइव का टेबल, अब सिक्स के टेबल में फाइव का जो आंसर आता है वही आंसर फाइव के टेबल में सिक्स का आता है, तो सिक्स फाइव ज़ा थर्टी, तो फाइव सिक्स ज़ा भी थर्टी, राइट? नाउ सिक्स फोर ज़ा, अब फोर के टेबल में जो सिक्स का आंसर आता है फोर सिक्स ज़ा ट्वेंटी फोर, तो सिक्स फोर ज़ा भी ट्वेंटी फोर, सिक्स टेंजा, और टेन सिक्सा जो आंसर आता है वही सिक्स टेंजा का आंसर होता है, राइट? सिक्स टेंजा सिक्सटी, सिक्स टेंजा आंसर क्या आएगा? सिक्सटी, राइट? चलो तो नेक्स्ट देखते हैं, थ्री सिक्सा, अब सिक्स थ्रीजा और थ्री सिक्सा, दैट बोथ आंसर इज द सेम। अब थ्री का टेबल अगर हम बोलते हैं तो थ्री वन ज़ा थ्री, थ्री टू ज़ा सिक्स, थ्री थ्री ज़ा नाइन, थ्री फोर ज़ा ट्वेल्व, थ्री फाइव ज़ा फिफ्टीन, थ्री सिक्स ज़ा एटीन, तो सिक्स थ्री ज़ा भी एटीन, सो आवर आंसर इज थ्री सिक्स ज़ा इज एटीन। नाउ एक सेकेंड, अब वन टू फाइव हम रिपीट करेंगे, ज़ीरो सिक्स ज़ा ज़ीरो, फाइव सिक्स ज़ा थर्टी, सिक्स फोर ज़ा ट्वेंटी फोर, सिक्स टेन ज़ा सिक्सटी, थ्री सिक्स ज़ा एटीन, राइट? तो ये हमारे आंसर है। अब हम नंबर सिक्स से देखेंगे, सेवन सिक्स ज़ा, सेवन सिक्स ज़ा, सो सेवन सिक्स ज़ा होता है फोर्टी टू, राइट? सेवन सिक्स ज़ा फोर्टी टू, सिक्स एट ज़ा फोर्टी एट, सिक्स वन ज़ा सिक्स, नाइन सिक्स ज़ा फिफ्टी फोर, टू सिक्स ज़ा ट्वेल्व, सिक्स सिक्स ज़ा थर्टी सिक्स। अगर हम सिक्स के टेबल में देखते हैं तो सिक्स के टेबल में सिक्स सिक्स ज़ा थर्टी सिक्स, राइट? नाउ फोर सिक्स ज़ा, जो सिक्स फोर ज़ा का आंसर है वही फोर सिक्स ज़ा का आंसर है, लाइक ट्वेंटी फोर, टेन सिक्स ज़ा सिक्सटी, सिक्स सेवन ज़ा फोर्टी टू, सिक्स फाइव ज़ा थर्टी, अब वन सिक्स ज़ा सिक्स, जैसे कि वन का टेबल है तो वन को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है तो आंसर
सेम रहता है। सिक्स टू ज़ा ट्वेल्व, सिक्स टू ज़ा ट्वेल्व। अब सिक्स नाइन ज़ा 54, सिक्स नाइन ज़ा 54। अरे ये ऊपर क्यों नहीं जा रहा है? यस, ओके। सिक्स नाइन ज़ा 54, सिक्स सिक्स ज़ा 36 एंड सिक्स थ्री ज़ा 18, राइट? सो दिस इज़ द आंसर ऑफ नंबर 1 to 20. Now let's see the next. From number 21. अब किसके टेबल में अगर हम देखें तो आंसर 60 आता है, तो 10 का टेबल है ना, 10 का टेबल अगर हम देखते हैं तो उसके आंसर में मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आएगा, तो 10 सिक्स ज़ा 60, राइट? नाउ 6 थ्री ज़ा 18, अगर हम देखना है कि कौन से टेबल में 18 आता है तो 6 का टेबल बोलेंगे, 6 वन ज़ा 6, 6 टू ज़ा 12, 6 थ्री ज़ा 18, तो 6 थ्री ज़ा 18 आएगा, 6 सेवन ज़ा 42, राइट? नाउ डैश मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू आंसर इज 6. सो हम किसके साथ 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 6 ज़ा 6 या 6 1 ज़ा 6, राइट? डैश मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 24. तो 6 के टेबल में कब 24 आता है? 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24, यस, 6 4 ज़ा 24. अब 6 को किसके साथ मल्टीप्लाई करने से आंसर 54 आएगा? तो 9 के साथ, तो 9 6 ज़ा भी आंसर 54. अब 6 2 ज़ा 12, 6 2 ज़ा 12. अब 0 का टेबल हम देखते हैं, 6 मल्टीप्लाई डैश इज इक्वल टू 0. सो 6 ज़ीरो ज़ा 0, अगर 6 के टेबल में देखा जाए तो 6 ज़ीरो ज़ा 0, राइट? बिकॉज 6 वन ज़ा आंसर 6 रहेगा, बट 0 के साथ मल्टीप्लाई करने से आंसर 0 रहेगा. डैश मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 48, 8 6 ज़ा 48. नाउ 6 6 ज़ा 36. अब डैश मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 6 18, 3 6 ज़ा 18, 3 6 ज़ा 18. अब 6 को डैश के साथ मल्टीप्लाई करने से आंसर 30 आया, तो 6 5 ज़ा 30, 6 5 ज़ा 30, राइट? नाउ हम नेक्स्ट देखेंगे नंबर 32 से. डैश मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 12, तो 2 6 ज़ा 12, 6 9 ज़ा 54, 6 6 ज़ा 36, 6 4 ज़ा 24, 7 6 ज़ा 42, 0 6 ज़ा 0, 6 10 ज़ा 60, और 6 1 ज़ा 6. सो इस तरह से सारे आंसर इसमें होते हैं. अब आप लोगों को क्या क्या करना है,
ये वर्कशीट मैं आप लोगों को सेंड करूँगी, और आप लोगों को ये वर्कशीट में आप पहले 6 का टेबल लर्न करना है, और 6 का टेबल लर्न करने के बाद आपको सारी वर्कशीट में, पूरी वर्कशीट में सारे आंसर फिल करने है। ओके स्टूडेंट्स, तो आप लोग ये फिल कीजिए और अपना होमवर्क कीजिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन एंजॉय योर डे, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।